सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय सेल्फ अभिषेक, बिना किसी देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो आज हमारे सामने खड़ी है चेतक ईवी 2024 का लेटेस्ट लॉन्च है, लेटेस्ट वेरिएंट है। 1x1 करके सारे स्पेसिफिकेशंस वगैरह की बात करेंगे। ये जो मॉडल है इसमें देखो आपको दो वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं, एक अर्बन मॉडल आता है जो कि यहाँ खड़ा है, और एक आपको प्रीमियम मॉडल आता है, टैक पैक भी बोलते हैं उसे कई लोग। सो ये प्रीमियम मॉडल है और टैक पैक भी आप मान लो, टैक पैक भी बोलते हैं इसे कई लोग, ठीक है। सो ये ब्लैक कलर के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है, ग्लॉसी ब्लैक कलर के अंदर कम्प्लीटली। इसके अंदर 4 या 5 आपको कलर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। सो 1x1 करके इसकी सारे स्पेसिफिकेशंस वगैरह की बात करेंगे, कंप्लीट डिटेल रिव्यू दूंगा मैं आपको, बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसकी ऑनरोड प्राइस आपको 1,51,000 देखने के लिए मिल जाती है इन जयपुर। स्टेट टू स्टेट वेरी करता है प्राइस, आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा 1,000 से 2,000 का, ठीक है। सो अभी देखो इसके अंदर अब बात करते हैं यार मेन चीज़ की, सारे स्पेसिफिकेशंस की। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं अपन। देखो ये मॉडल जो है प्रीमियम है, थोड़ा इसमें और अच्छी चीज़ें ऐड ऑन कर रखी है अर्बन मॉडल से। इसमें जो लोअर वेरियंट आता है एक, उससे जो ये अपर वेरियंट है इसमें थोड़ा और आपको प्रीमियमनेस देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि मॉडल भी प्रीमियम है। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, 12 इंचज़ अलॉय व्हील आपको देखने के लिए मिल जाते हैं 90x90 सेक्शन के MRF के टायर्स के साथ। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, और डिस्क ब्रेक के साथ आपको यहाँ पे कैलिबर्स भी लगा रखा है, बट कैलिबर को कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रखा है कि कौन सी कंपनी के कैलिबर्स हैं। एंड्योरेंस के आपको यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छे वर्क करते हैं, काफ़ी डिसेंट वर्क करते हैं, ठीक है। फ्रंट में आपको यहाँ पे कम्प्लीटली फाइबर का मड गार्ड देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आपको चेतक की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है फ्रंट के अंदर, क्रोम के अंदर मिनर फिनिश के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स की बात करूँ तो ऐसे कुछ आपको इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि मैं एक बार आपको जला के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए इंडिकेटर्स, सो ऐसे कुछ इसके आपको इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ के LED। फ्रंट में आपको ग्रिल देखने के लिए मिलती है कम्प्लीटली ब्लैक कलर की, कलर जो है कम्प्लीटली ग्लॉसी ब्लैक ही जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे आपको फ्रंट में ऐसा कुछ LED लाइट इसकी देखने के लिए मिलती है DRLs ऑन के साथ, और थ्रो जो है लाइट का वो बहुत अच्छा है, हाई बीम लो बीम दोनों देखने के लिए मिल जाती है। बीच में चेतक की ब्रांडिंग में आपको देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। मिरर्स वगैरह इसमें अभी इंस्टॉल नहीं है, वो एसेसरीज़ में आते हैं, वो आपको अलग से लेने पड़ते हैं जैसा कि आपको पता ही होगा साइड। सो ऐसा कुछ इसका कंप्लीट आपको मीटर देखने के लिए मिल जाएगा। मीटर जो है देखो भाई इसका ऐसा कुछ है, कम्प्लीटली डिजिटल मीटर है, मैं एक बार आपको ऑफ करके वापस ऑन करके दिखाता हूँ। सो ये देखिए, सो ऐसा कुछ आपको कम्प्लीट इसका मीटर देखने के लिए मिलेगा चेतक का। ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स, 3 आपको मोड देखने के लिए मिलेंगे। आपको काफ़ी सारे यहाँ पे जो है साइंस देखने के लिए मिल जाएंगे चेतक के, यहाँ पे ब्रांडिंग देखने के लिए मिलेगी न्यूट्रल। यहाँ पे आप कंप्लीट जो है देखो अपना फ़ोन वगैरह सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो, उठा सकते हो, टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको देखने के लिए मिल जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें, सॉन्ग्स वगैरह आप यहीं से चेंज कर सकते हो, और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लाइट्स वगैरह आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और अभी देखो बात करते हैं यार, इसमें साइड सेंड कट ऑफ सेंसर आ जाता है, यहाँ पर आप कम्प्लीट जो है अपने हिसाब से इसको ऑपरेट कर सकते हो, वार्निंग, नोटिफिकेशन, बैक। सो ऐसा कुछ इसका देखो, ब्लूटूथ नॉट कनेक्ट, आप कनेक्ट करोगे तो इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आने लग जाएगी, ठीक है। सो अभी बात करते हैं यार अपन मेन चीज़ की, वो है इसका इंटीरियर वगैरह की। तो इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम है यार, पहले वाले जो अर्बन मॉडल आता था उससे। सो आपको देखो यहाँ पर चेतक की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है दोनों जो है अपन हैंडल बार्स के ऊपर, और यहाँ पर आपको ड्राइव मोड पर आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको दो तरह के मोड देखने के लिए मिल जाते हैं, एक ईको और एक स्पोर्ट्स मोड। इसमें 129 किलोमीटर की आपको रेंज देखने के लिए मिलती है ना, कंप्लीट 4 से 5 आवर्स तक आपको इसको कंप्लीट है ना जो है चार्ज पे लगाना पड़ेगा, तब जाके इसे फुल चार्ज होती है 100%। और जो इसके अंदर देखो FOB कीज़ आपको देखने के लिए मिल जाती है कीलेस एंट्रीज़ के साथ, यहाँ पे देखो आपको बार बार चाबी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल और डबल क्लिक से आप कंप्लीट ऑन ऑफ कर सकते हो गाड़ी को। अब देखो मैं इसका फ्रंट का आपको बूट दिखा देता हूँ। सो ऐसा कुछ इसका बूट आता है फ्रंट के अंदर, आप जो भी इंपॉर्टेंट सामान है अपना रख सकते हो, थोड़ा बहुत वॉलेट्स वगैरह। यहाँ पे फर्स्ट एड आपको देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। इसको अपन वापस बंद कर देंगे। 2433 की यहाँ पे ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिलती है, लेग स्पेस काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिल जाता है, और जो क्वालिटी है ना यार इनकी बटन्स वगैरह की, ठीक है, बहुत ही अच्छी है, प्रीमियमनेस है सारी क्वालिटीज़ वगैरह के अंदर। यहाँ पे आपको सीट्स की बात करूँ तो ऐसी कुछ इसकी कंफर्टेबल सीट देखने के लिए मिलती है कम्प्लीटली। यहाँ पे देखो 3 kg तक का आप वजन टाक सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चेतक की आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर के साथ आती है गाड़ी। फुटरेस्ट की बात करूँ तो ऐसा कुछ आपको फुटरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं इसके अंदर प्रीमियम के अंदर। कंप्लीट साइड्स के जो फेंडर है वो कम्प्लीटली ब्लैक कलर के अंदर है, और मेटल के अंदर आपको फेंडर्स देखने के लिए मिल जाएंगे राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ। सो बैकलाइट की बात करूँ तो ऐसे कुछ आपको बैकलाइट देखने के लिए मिलेगी। इंडिकेटर मैं आपको जला के दिखा देता हूँ, पीछे भी आपको LED इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, और चेतक के पीछे भी आपको ऐसे कुछ
ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो है वो मिरर फिनिश के साथ ही आती है, जैसे मैंने बताया आपको ब्रांडिंग। पीछे से बात करूँ तो यार ऐसे कुछ आपको यहाँ पे 12 इंचेस के अलॉय व्हील देखने के लिए मिलते हैं, सेम एज इट इज़ 90x90 सेक्शन के MRF के टायर्स के साथ में। और अब यार देखो प्रीमियमनेस तो है भाई गाड़ी के अंदर, कुछ भी कहो प्रीमियम मॉडल के अंदर, पैसा भी वर्थ इट है यार। इसमें आपको टन बाई टन नेविगेशन देखने के लिए मिलता है इको मोड्स पे, इसमें आपको 63 की टॉप स्पीड देखने के लिए मिलती है, स्पोर्ट्स मोड 75 की, और आपको यहाँ पे रिवर्स मोड भी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, हील होल्ड भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, सो वो भी आपको देखने के लिए मिलती है। अब इसको लॉन्ग प्रेस करूँगा, सो इधर अभी अपन लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसका बूट खुल जाएगा। सो बूट खुलते एक बीप बीप का साउंड आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कम्प्लीट चार्जिंग पोर्ट इसका ऐसा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, और इसमें रिमूवेबल बैटरीज नहीं आती है जैसा कि आपको पता ही होगा। सो ये चीज़ तो अलग चीज़ है, ये तो इग्नोर करना, आप चार्जर की चीज़ है, चार्जर लगता है इसके अंदर, चार्जर का ये बैग है कंप्लीट चेतक की ब्रांडिंग के साथ में। यहाँ पे आपको LED लाइट देखने के लिए मिल जाती है, जिससे आप बेसमेंट वगैरह में यार नाइट में जब खोलो तो इसमें आपको सामान जो पड़ा हुआ है वो दिख जाए। तो गाड़ी देखो प्रीमियम तो है भाई, बहुत ही एकदम जिसे कहते हैं ना, मतलब सीट्स कवर देख लो यार आप, क्वालिटी देख लो बॉडी की, फेंडर की, हर चीज़ की क्वालिटी देख लो, मीटर की क्वालिटी देख लो आप, मतलब बहुत ही अच्छी है ना, आपको यहाँ पे कम्प्लीटली ओवरऑल लुक देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अर्बन जो मॉडल है वो भी काफ़ी अच्छा है, बट मैं तो यही कहूँगा कि यही मॉडल लेना आप, ये मॉडल वर्थ इट है, इसके अंदर ना आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, लाइफ टाइम के लिए आपको ये गाड़ी मिलेगी टॉप स्पीड के साथ में। ठीक है, 75 की, उसमें आपको जो है हर 5 साल में 8,000 की प्रीमियम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, तब जाके ना भाई आपको यहाँ पर टॉप स्पीड वगैरह जो है मिलेगी 75 समथिंग की, है ना। और 1 महीने मिलती है सिर्फ, जब आप गाड़ी लोगे तो 1 महीने मिलेगी आपको टॉप स्पीड इसकी, बाकी फिर है ना कंपनी वाले लॉक कर देते हैं अपने आप 65 पे, है ना। सो इसमें आपको 75 की देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफ़ी डिसेंट सी स्पीड है, और यही लेना है यार आप प्रीमियम में, मैं तो यही बोलूँगा कि प्रीमियम वर्थ इट है। अगर आपका लॉन्ग रेंज है, ज़्यादा आपको यूज़ आती है गाड़ी, तो यही लो आप, बाकी अगर आपका नॉर्मल सा काम है तो आप ये भी इसके साथ भी जा सकते हो अर्बन के साथ, बट मेरी राय यही है कि यार थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके इसको लेना बेटर रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो बता देना भाई, मैं आपको कंप्लीट रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। टिल देन स्टे बाय।